हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचिज रेसिपीज एंड व्लॉग्स। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मिक्स वेजिटेबल सूप बनाने की रेसिपी। और ये सूप बहुत ही टेस्टी होता है, काफ़ी हेल्दी भी है, तो इन सर्दियों में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें ढेर सारा मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, आयरन है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये होता ही इतना टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। मिक्स वेज सूप बनाने के लिए हमने यहाँ 4 से 5 पीस गाजर, 1 चुकंदर, 4 टमाटर, थोड़ा सा अदरक का पीस और थोड़ी सी पालक ले ली है, और इन्हें अच्छी तरह पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले गाजर को कट कर लेते हैं। अब चुकंदर को कट कर लेते हैं। टमाटर को हम 4 पीसेस में कर लेंगे, क्योंकि टमाटर वैसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं तो ये बहुत जल्दी घुल जाते हैं। पालक को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। अदरक को भी हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, इससे ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो आप इसे थोड़ा सा क्रश कर लें, फिर उसके बाद इसे डालें। इन सारी सब्जियों को हमने रफली चॉप कर लिया है। तो अब इसमें यहाँ 2 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, डाल देते हैं। और इसमें 1 ग्लास पानी डाल देते हैं। पानी आप ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये सारी सब्जियाँ पानी रिलीज करती हैं। अब इन्हें कुकर में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे मिडिल फ्लेम पर। यहाँ हमने एक स्ट्रेनर ले लिया है और इसमें वेजिटेबल्स डालकर इसे अच्छे से स्ट्रेन करेंगे। यहाँ हमने प्लास्टिक स्ट्रेनर यूज़ किया है, क्योंकि इसके सिप काफ़ी महीन छन जाता है सूप, तो आप प्लास्टिक का स्ट्रेनर यूज़ करें। और नीचे से चाकू की हेल्प से हम पल्प को हटाते जाएंगे। इसी तरह से सारे सूप को हम स्ट्रेन कर लेंगे। और सारी वेजिटेबल्स को हमने अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया है। अगर आपकी वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं है तो आप फिर इसे 20 से 25 मिनट तक बॉईल कर लें। और इसे हम अब साइड में कर देते हैं। और ये सूप अभी काफ़ी थिक है, तो इसमें हम बॉइल्ड वाटर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। पानी आप उतना ही डालें जितना इसे आप थिक रखना चाहते हैं या पतला रखना चाहते हैं। तो यहाँ करीब हमने 1 ग्लास पानी डाल दिया है। 1/2 नींबू का रस डाल देते हैं। थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये सूप 4 लोगों के लिए सफिशियंट है। इसे अब एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इन सर्दियों में आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, आयरन हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। तो इन सर्दियों में आप इन्हें ज़रूर यूज़ करें। और ये वेजिटेबल सूप पूरी तरह बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।